तो फाइनली दोस्तों आप लोग के प्यार और सपोर्ट के वजह से हमने भी मंगा लिया है मोनो पीडी 200X XLR डायनामिक माइक्रोफोन, जो हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग इन रिव्यू और टेस्ट करेंगे इसकी वॉइस की क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी अपने लिए एक बेहतरीन माइक्रोफोन तलाश कर रहे हो जो कि बजट में हो, डायनामिक हो, तो आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग इन रिव्यू और टेस्ट करेंगे हम इसकी वॉइस की क्वालिटी। तो अगर आप भी अपने लिए एक बेहतरीन सा माइक को ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये माइक कैसा है और क्या हमें ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो हमेशा की तरह प्यार दिखा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ फीचर को जान लेते हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एंटी शॉक एंटी पॉप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने यूएसबी सी एन एक्सएलआर कनेक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2-in-1 डिजिटल कोब, और यहाँ पर प्रोग्रामल आरजीबी। इसके अंदर आपको आरजीबी मिल जाएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बिल्कुल आप इत्मीनान से वीडियो को देखते रहो अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन माइक को परचेस करना चाहते हो तो। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 key mute, मतलब 1 click में आप अपने ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं और 1 click में ऑडियो को चालू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिब्बे से हम इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। चलो हम इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, और हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक गलता इसमें से मिलता है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है एक किताब, ये ऐसी किताब है जिसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगा इस माइक को समझने के लिए। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर एक हमें हैप्पी थैंक यू का वारंटी कार्ड मिला है जो कि बहुत अच्छी बात है, इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बॉक्स में मिलता है एक ये वाला, ये यूएसबी टाइप, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस माइक को यहाँ पर रखता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखो क्या है, ये जो है ये टाइप सी है, ये आपके मतलब माइक में लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दो इस तरीके से मिलते हैं यूएसबी टाइप में, ठीक है ना। ये अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें आप लगा सकते हो, और इसको इस तरीके से खोलोगे तो ये आप आपको मतलब एंड्रॉइड फोन में और आईफोन में इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। टाइप सी आजकल आईफोन में भी दे रहा है और एंड्रॉइड में भी दे रहा है। तो सिंपल वो वायर है, वायर कम से कम ये 2-3 meter का हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो ये बहुत अच्छी माइक है, हो सकती है आपके लिए। इसको मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ साइड में, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमें एक मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है जो मोनो एक्स्ट्रा ये हमें देता है, ठीक है ना। और ये देख लो, ये बहुत मतलब सुंदर कलर है, सोने जैसा है, पर सोना नहीं है, लोहा ही है, ठीक है ना। चलो इसको हम रख देते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है एक बढ़िया सा डायनामिक माइक्रोफोन पॉडकास्ट, देखो मतलब यार इसका लुक ही अलग है, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ आपको मिल जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं फिलहाल रखता हूं साइड में। और ये आप सोच रहे हो कि इसके साथ क्या मतलब इसका स्टैंड आएगा, जो बूम आर्म होता है इसका, ये आएगा, तो इसका साथ नहीं आएगा। ये मैंने मंगाया है, अलग से परचेज किया है अमेजन से, इसके साथ नहीं है, सिर्फ ये अलग से सिर्फ माइक ही एक ही है, ठीक है ना। ये स्टैंड इसके साथ नहीं है, ये अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। मैंने भी ये परचेस कर लिया है, 700 रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा अमेजन पर। अगर इसकी मतलब रेट कम हो गई तो उस टाइम अच्छी बात है, बाकी आप लेने जाओगे तो इतने का आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये माइक मुझे कितने का पड़ा है, फिलहाल मुझे ये माइक पड़ा है 4000 रुपए का। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्या पता आप किस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो उस टाइम इसका रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये होता रहता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसको मैं पहले साइड में रखता हूँ, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम इसके माइक को टेस्ट करते हैं, जब भी आपको पता चलेगा। और इसको आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। ये मोनोलिंक एप्लीकेशन कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप सिंपल मोबाइल में भी प्ले स्टोर से मोनोलिंक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले इस माइक के कुछ फीचर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका वॉइस की क्वालिटी कैसा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है XLR डाटा केबल। XLR डाटा केबल इसके साथ नहीं आता है, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा,
पड़ेगा, चाहे आप इसको ऑनलाइन कर ले चाहे आप ऑफलाइन कर ले, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास मतलब ये यूएसबी डाटा केबल आपको मिलता है, आप इससे भी काम चला सकते हो, इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। अगर आपके पास मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो सी टाइप दिख रहा है इसको आपको यहां लगाना है सी टाइप में, और ये जो आपको बटन दिख रहा है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। और ये है हेडफोन, मतलब अगर आपके पास हेडफोन है या फिर आपके पास ईयरफोन है, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, जब भी आप ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो ना तो वो हेडफोन यहाँ पर लगा देना, जो मोबाइल में हम लगाते हैं गाना सुनते हैं या फिर कुछ म्यूजिक सुनते हैं, यहाँ पर लगाओगे और उसके बाद अपने कान में लगाओगे इस तरीके से। आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर इस तरीके से आप लगाओगे ना, इस तरीके से लगा करके अपने कान में लगाओगे, तो ये क्या होगा, जो भी आप बोलोगे यहाँ पर जिस तरीके से बोलोगे वो रिटर्न उसको आप सुन भी सकते हो, स्टूडियो टाइप जिस तरीके से स्टूडियो में होता है कि लोग जो म्यूजिक गाना गाते हैं वो खुद भी सुनते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम कितना तेज बोल रहे हैं ये भी पता चलता है, और कितना स्लो बोल रहे हैं ये भी पता चलता है। पता लगे कि हम बहुत तेज बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा कि कितना तेज बोल रहे हैं, तो लेकिन इसमें हमें पता चल जाएगा, इसीलिए हमने इस माइक को परचेज किया है। उसके बाद ये जो आप दिख रहा है फॉर्म, इसको मैं अभी ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो मतलब कितना हैवी इसका फॉर्म है, और ये है इसका मतलब हिस्सा, ये लोहे का है पूरा, इसका माइक इस तरीके से सामने से है, तो मैं इसको इसमें फिट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको हम ऑन करते हैं, तो ये जो यूएसबी है साइप टाइप सी, हम इसको यहाँ पर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और इसको हम फिलहाल यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से। और ये जो आपको दिख रहा है यूएसबी, इसको हम इस तरीके से खोल देंगे, ठीक है ना, ऐसे, और हम इसको लगाएंगे अपने फोन में इस तरीके से, यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने फोन में टाइप सी वाले में लगा देंगे। लगाने के बाद जैसे हम लगाएंगे ये देख सकते हो कि ये ऑन हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसको यूज करेंगे अपने फोन से, कैसे, चलो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद मोनोलिंक सर्च करोगे आ जाएगा ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जब तक आप इसमें ये नहीं लगाओगे ना, जब तक ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हो ये ओके हो गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है हेडफोन वॉल्यूम, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम इसका मतलब ये वाला है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, माइक का वॉल्यूम, तो हम दोनों वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर आराम से। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एडवांस पर, तो एडवांस पर क्लिक करने के बाद हम इस मतलब अपने वॉइस का जो होता है वो हम यहाँ पर EQ मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पर क्लिक करके लिमिटर लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर मतलब इस पे प्रेस करके जो हम इसको टिक मारते हैं इस तरीके से हम कंप्रेसर कर सकते हैं, मतलब अपने ऑडियो को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया कि अगर आप 50% रखोगे तो कितना मतलब आवाज आएगा, आपको अपने माइक में यहाँ पर अपने कान में सुनाई देगा, जो भी आप बोलोगे ना वो आप खुद यहाँ पर सुनाई देगा कि क्या इसका मतलब हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर लैंप पे क्लिक करते हैं, तो ये जो आपको RGB दिख रहा है ना, अब देखो यहाँ पर मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूँ व्हाइट हो गया, रेड पे क्लिक करता हूँ रेड हो गया, और यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये कलर हो गया, और यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो गया, और यहाँ पर मैं सब कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये RGB हो गया, ठीक है ना, आप देख सकते हो इस तरीके से ये RGB का बन गया यहाँ पर, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये सेम कलर हो गया। तो फिलहाल मैं RGB रखता हूँ। यहाँ जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है लैम्प लाइट और ब्राइटनेस, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस को मतलब इसकी जो रोशनी होती है इसको घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, सिंपल इसका काम है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके वॉइस को हम टेस्ट करते हैं कि कैसा इसका क्वालिटी है। उसके बाद इसके वॉइस को मैं एडिट नहीं करूंगा, ये रो फाइल जैसा होगा वैसा ही मैं अपलोड कर दूंगा। अगर मैं एडिट कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या इसमें मतलब किसकी क्वालिटी कैसी है और नहीं है। और मैं इसकी नॉइस क्वालिटी भी चेक करूंगा कि क्या इसका नॉइस क्वालिटी है, क्या इसमें नॉइस आ रही है या फिर नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम क्या करते हैं इसको टेस्ट कर देते हैं। अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो वो है मोनो PD 200X, इसको मैंने एडिट बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है ना, बिल्कुल
भी मैंने एडिट नहीं किया है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही मैंने इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कमेंट में बताना कि आपको ये ऑडियो कैसा सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसके एप्लीकेशन में जाने के बाद हम इसके कुछ फीचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डीप करता हूँ, देखो तो अभी मैं इसको डीप कर दिया हूँ। तो डीप करने के बाद आपको ये ऑडियो कैसा सुनाई दे रहा है आप मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद मैंने यहाँ पर ओरिजिनल पर रखा है, तो ओरिजिनल में आपको कैसा सुनाई दे रहा है ये मुझे आप कमेंट में बताना। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेचुरल पर तीसरे नंबर पर क्लिक किया है, तो ये आपको ऑडियो नेचुरल में कैसे सुनाई दे रहा है ये मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना है। अब मैंने यहाँ पर चौथे नंबर पर क्लिक कर दिया, तो चौथे नंबर पर ये वॉइस कैसी आ रही है आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। और ये बताना कि भाई ये अच्छी वॉइस आ रही है, इस माइक को परचेस करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक माइक लेना चाहते हो तो आप सुन लो इसको, देख लो कि भाई ये कैसा माइक है, क्या इसकी वॉइस है, ठीक है ना। अभी जो आप सुन रहे हो सेम यही वॉइस है, आपकी भी आएगी अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो। और इसको मैं अगर मतलब यहाँ पर करता हूँ, दूर करता हूँ, तो दूर करने के बाद ये ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है इसमें कि मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ। कई बार सर वीडियो में होता है कि जो माइक हम लोग रिव्यू करते हैं उसमें हमें को पता नहीं चलता कि भाई क्या हमें यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं इसमें बखूबी हमें सुनाई दे रहा है कि क्या इसकी कंडीशन है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इधर से बोलता हूँ इधर से भी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, अगर मैं इधर से बोलता हूँ इधर से भी आवाज़ नहीं आ रही है, इधर से बोलता हूँ इधर से भी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो यहाँ से अच्छी आवाज़ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दूसरा भी हेडफोन लगा लेता हूँ, इस तरीके से मैं दूसरा हेडफोन लगा लेता हूँ, तो काफ़ी कमाल का ये वॉइस मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर 10 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता हूँ और देखता हूँ कि नॉइस कितना कैच कर रहा है। ये बोल रहा है कि मैं डायनामिक हूँ तो मैं नॉइस नहीं कैच करता हूँ, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि कितना नॉइस ये कैप्चर कर पाता है। करीब करीब ठीक ही है, आपने देखा आपने सुना कि कितना ये नॉइज़ को कैप्चर कर रहा है। कमेंट में बताना कि नॉइज़ को कैप्चर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी चूचा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई उधर से बोल भी रहा है तो नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं एक टेस्ट और कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ी दूर में किसी को बोलता हूँ कि वहाँ से कुछ बोले, उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसमें वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। हाँ, मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा सुनाई दिया, लेकिन इतना खास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई ज़्यादा दूर से अगर ये बोलता है तो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि अच्छी माइक है, डायनामिक माइक है, अच्छी माइक है। बाकी अगर आपको ये माइक अच्छा लगता है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है जा करके चेक कर सकते हो, परचेज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इतना कम बजट में अच्छा माइक है। बाकी माइक की कीमत तो आपको पता है कि 1-1 लाख रुपये है, 50-50 हज़ार रुपये माइक का है कीमत, लेकिन ये 4,000 में एक मुझे अच्छा लगता है ये माइक की, इससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कमेंट में आपको ये बताना है कि आपको ये माइक कैसा लग रहा है, क्या इसकी कंडीशन है, क्या इसकी वॉइस की क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मावनो PD200X का रिव्यू, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये माइक कैसा लगा, ठीक है ना, और आप इसको परचेज करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।